हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। इस देश में ऑनलाइन ठगी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज मध्य प्रदेश की सागर पुलिस के हत्थे एक बड़ा ऑनलाइन ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह हाथ लगा है, जिसके सरगना सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली से हिरासत में लिया है। यह गिरोह अखबार में विज्ञापन देता था कि वह जल्द आपको लोन देगा, वो भी 1 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक। इस गिरोह के झांसे में सागर जिले की सुरखी थाना अंतर्गत चाटोरिया निवासी संदीप लोधी फंस गया। इस विज्ञापन में बजाज फाइनेंस दर्ज था, साथ में कुछ मोबाइल नंबर दर्ज थे। संदीप ने जब मोबाइल फोन से बात की तो दूसरी तरफ से एक लड़की शिवांगी यादव ने जवाब दिया, कहा कि आप अंक सूची, बिजली का बिल, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल के जरिए हमें भेजें। इसके बाद धोखाधड़ी की करतूत इस गिरोह ने शुरू की। सबसे पहले कहा 3500 रूपए फाइल चार्ज लगेगा, बीमा कराने का 10,000 रूपए, अन्य चार्ज 17,500 रूपए, भारतीय मुद्रा में पैसों को बदलने के लिए 20,000 रूपए इस गिरोह ने ऑनलाइन के जरिए संदीप से झटक लिए। कुल जमा 61,000 रूपए इस गिरोह ने संदीप से वसूल लिए। जब लोन सैंक्शन के बारे में गिरोह से संदीप ने पूछा तो उससे कहा गया कि कमीशन के नाम पर आपको 25,000 रूपए लगेंगे। इस पर संदीप को शक हुआ और उसकी शिकायत उसने सुरखी थाने में कर दी। पुलिस ने जब इस मामले में पड़ताल की तो यह गिरोह दिल्ली का होना पाया गया। पुलिस ने एक टीम तैयार की और इस गिरोह के 5 सदस्यों को दिल्ली की पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया, जिसमें शिव कुमार भास्कर, सुनील यादव, मोहम्मद नासिर, प्रदीप कुमार और मनोज वर्मा शामिल थे। पुलिस इन्हें सागर ले आई और पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्हें दोबारा दिल्ली के उस कॉल सेंटर पुलिस ले गई, जहां से यह अपना गंदा खेल खेलते थे। पुलिस को इनके कॉल सेंटर से लैपटॉप, 23 मोबाइल, कागजात, सील और कई चीजें मिली। पुलिस कहती है कि यह अलग अलग अखबारों में कई नाम से लोन देने की एजेंसी बताकर कई जगहों से लोगों को फाइल तैयार करने तक संदीप की तरह ठगते थे और किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे डलवाते थे, जिसका एटीएम और पासवर्ड इनके पास रहता था। शुल्क के रूप में इतना पैसा और जमा कर दीजिए, फिर जमा करते हैं तो फिर आता है कि वहाँ पे हमको फीस देनी पड़ेगी उसका और जमा कर दीजिए, फिर आता है कि कमीशन लगेगा तो इतना और जमा कर दीजिए। तो आदमी लोन के चक्कर में 1 लाख या 2 लाख रुपए के लोन के चक्कर में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक इनके अकाउंट में जमा कर देता है। 61,000 रुपए इससे इन्होंने अलग अलग कारणों से कि आज प्रोसेस होना है, अब प्रोसेस हो गया है, बस कल पैसा आ जाएगा, आज उनका बैंक में इतना कमीशन लगना है या इतना इंश्योरेंस लगना है, और इस प्रकार 61,000 रुपए उससे वसूल लिए। जब उसको समझ में आया और जो मोबाइल नंबर उसने दिए थे उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया तो दिल्ली से 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जब हमारी टीम दिल्ली गई तो ये पूरे इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें कि ये लगभग 23 मोबाइल हमें मिले हैं, लैपटॉप मिला है और ये रजिस्टर्स मिले हैं जिसमें पूरे भारत के ठगे हुए लोगों के नाम हैं। बहरहाल अब यह गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, पुलिस ने इनकी रिमांड मांगी है। इस गिरोह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने पैर पसारे थे। पुलिस को उम्मीद है कि यह कई राज्यों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके होंगे। बहरहाल अगर आप किसी अखबार में इस तरह का ऑनलाइन का विज्ञापन पढ़ें तो कृपया लालच में ना आए, कभी शॉर्टकट ठीक नहीं होता। ऑनलाइन में दिए विज्ञापन और एजेंसी की पूरी पड़ताल कर लें, फिर ऐसा कदम उठाएं, नहीं तो संदीप जैसे बेरोजगार की तरह आप भी झांसे में आ सकते हैं। नफीस खान के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999376776।